हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक न्यू कोरोना वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम WHO ने दिया है ओमिक्रोन। और साथ ही WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोला है। क्यों बोला है, क्या इस पर वैक्सीन असर कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी आपको जानने के लिए जरूरी है इस वेरियंट के बारे में वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, WHO ने रिसेंटली क्लासीफाई किया है एक न्यू कोरोना वेरियंट को। ठीक है, कोरोना यहाँ पे SARS-CoV-2 जो न्यू कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस का एक नया वेरियंट मिला है और इसका नाम क्या है, V11529। ठीक है, तो ये नाम तो आपको याद नहीं रखना है। इसको WHO ने बोला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये कहाँ पर फैल रहा है, तो ये मिला है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ये काफी तेजी से फैल रहा है और WHO ने इसको नाम दिया है ओमिक्रोन। ओमिक्रोन, ठीक है, जैसे कि डेल्टा वेरियंट था सेम उसी तरह से इसका नाम क्या रखा गया, ओमिक्रोन। ओके, इसमें क्या क्या विशेषता है, इसकी क्या अलग है बाकी वेरिएंट से और क्या सिमिलर है और कितना घातक है। तो देखिए, अगर मैं अभी सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस किसी वेरिएंट की बात करूँ, कोविड वेरिएंट की, तो आपके सामने कौन सा नाम आएगा, तो आप बोलेंगे डेल्टा वेरिएंट, जिसको जो हमें लास्ट टाइम जिसने परेशान किया था, ये उससे भी ज्यादा एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। ठीक है, तो मोर ट्रांसमिसेबल है देन डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, इसके अलावा जो अभी करेंट वैक्सीन हैं वो उस पर लेस इफेक्टिव हैं, वो इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। इवन जैसे किसी पर्सन ने दो वैक्सीन लगा ली तो उसको भी हो जा रहा है। इस तरह का एक केस तो इस तरह का भी आया है कि किसी का थर्ड जो बूस्टर शॉट था ना, वो लगने के बाद भी उस पर्सन को ये वाला वेरियंट हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसको, मतलब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, मतलब इससे लड़ पाए। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सीन हमारी बॉडी में, भले ही वैक्सीन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, बट स्टिल इससे लड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, अभी तक जो पता चला उसके हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद इसका जो नाम क्या है, तो ये तो मैंने आपको नाम बता दिया, साइंटिफिक नेम है, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ओमिक्रोन। और इसमें मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है। देखिए, जब से कोरोना आया हम बात कर रहे हैं, दूसरा वेरिएंट आएगा, दूसरा वेरिएंट आएगा, तो किस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये क्या अपने आप को चेंज करता रहता है, कोरोना अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेशन होते जाते हैं। ठीक है, और स्पाइक प्रोटीन जिस तरह से इसके बाहर आप ये देखते हो ना, ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है, ये जो आपको दिखती है तो ये इसके स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, और बहुत सारे म्यूटेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ, देखिए जो कोरोना है वो पहले स्टार्टिंग में इनिशियली एक ही आया, फिर उसके बाद बदला, फिर बदला, तो ये अपना रूप बदलता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज नहीं होता, पर कुछ ना कुछ नई चीजें आती जाती है इसमें। ठीक है, तो म्यूटेशन होते जाते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज आती जाती है और पुरानी चीजें भी रहती हैं और कुछ हटती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होता जा रहा है। ओके, साउथ अफ्रीका में ये मिला और साउथ अफ्रीका में इसके आने के बाद 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं, मतलब कि पहले जितने केसेस थे उससे 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं, तो बहुत जल्दी ये फैल रहा है। ठीक है, लास्ट 2 वीक में 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या अलग है, तो नहीं, ऐसे कोई अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं है। जैसे सिम्टम्स बाकी सबके दिखाई देते हैं वैसे ही है, तो बाकी सबके सिम्टम्स तो अच्छे से आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको सर्दी खांसी, ठीक है, ये हो जाएगी, तो बेसिकली सर दर्द वगैरह ये सब चीजें भी होंगी, तो ये सब इसमें भी है। ओके, तो अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट में किसी किसी का टेस्ट करने पर पता ही नहीं चल रहा था डेल्टा वेरिएंट, लेकिन ये पता चल रहा है। इसका RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है, SG नगर है, तो बहुत जल्दी वो पता चल जाता है उससे। तो बेसिकली जो रैपिड टेस्ट होता है उसमें इस वेरियंट को के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अनयूजुअल सिम्टम नहीं है अभी तक जो पता चला उसके हिसाब से। अब और जो फाइंडिंग्स आएंगी तो हो सकता है ये कुछ अलग मिल जाए, लेकिन अभी जो पता है उसके हिसाब से ये कोई अलग सिम्टम्स नहीं है और टेस्ट में भी पता चल रहा है, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है और वैक्सीन असर नहीं कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम तो ये मान के बैठे हुए हैं कि अब तो कोरोना खत्म हो गया। ठीक है, हर किसी का, जैसे हम अगर घर से बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि
लोग मास्क नहीं लगाते। जैसे अगर मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आधे लोगों ने मास्क लगा रखे, आधे लोगों ने नहीं लगा रखे। हालांकि मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, तो वहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो अभी तो लोग फिर भी मास्क लगा रहे हैं, बट वो कोरोना की वजह से कम और पॉल्यूशन की वजह से ज्यादा लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है या बंद ही कर दिया है, तो ऐसा ना करें। देखिए नया वेरिएंट आ गया है तो ये दिक्कत वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है, लेकिन आज ही की बात है जब ये नया वेरिएंट के बारे में पता चला, तो पीएम मोदी जी ने बोला कि इस जो प्लान है 15 दिसंबर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप स्टार्ट कर रहे हो, उस प्लान को वापस से रिव्यू करो। कल या परसों में ये डिसीजन आया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट पर अभी एक तरह से हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो जाए, अभी स्टार्ट ना हो, क्योंकि पहले ऐसा बोला गया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो आएंगी तो पहले उन सबका टेस्ट करा जाएगा, ये सब चीजें की जाएंगी, लेकिन अभी उस प्लान को थोड़ा सा होल्ड पर डाल दिया है, रिव्यू करने के लिए बोला गया, तो हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने, अगर मान लीजिए कोई आना चाह रहा है या जाना चाह रहा है, अपनी फ्लाइट्स वगैरह करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रुक जाए, हो सकता है ये चीज पोस्टपोन हो जाए। नया वेरिएंट आने वाला है, आपको भी पता है लास्ट टाइम इस टाइम पर जब ये दिसंबर जनवरी का टाइम था, तो उस टाइम पर दिवाली के बाद केसेस बढ़े थे लेकिन फिर बीच में कम हो गए, ठीक है, फिर शादियां वगैरह हुई, फेस्टिवल हुआ, और उस वजह से कुछ टाइम बाद देखा गया कि जनवरी फरवरी में ये जो कोरोना है वो बहुत तेजी से बढ़ा, और उसमें ऐसा बोला गया था कि ये जो लास्ट अभी ये वाला जो टाइम है जनवरी फरवरी और दिसंबर नवंबर वाला जो टाइम है, इसमें बहुत सारी शादियां हुई, बहुत सारी पार्टीज की लोगों ने, और उस वजह से गेट टुगेदर काफी हुआ, लोग एक दूसरे से काफी मिले, और इस वजह से बहुत ज्यादा एकदम से हमने देखा था हमारे आसपास बहुत सारे लोग थे जिनको कोरोना हो गया था। इवन हर घर में आपको एक ना एक मिल जाएगा जिसको कोरोना है, और एक ना एक नहीं पूरा के पूरे घर को कोरोना हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़े थे, तो अब स्टार्टिंग से अभी से ही प्रिकॉशन लेना ठीक रहेगा। अभी इंडिया में नहीं आए ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज की डेट में जब इधर से उधर जाना होता ही रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि कब ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, और मुझे लगता है कि सब लोग वापस से मास्क अगर जिन लोगों ने पहनना बंद कर दिया तो वो पहने, और एटलीस्ट जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक हमें घर से बाहर मास्क लगा के ही निकलना चाहिए, ओके। तो हमने इस वेरिएंट के बारे में सुना, बाकी हमने जो भी इसमें जो भी चीजें हमें अभी तक पता चली हैं वो सब डिस्कस की। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा कैसा लगा। उसके साथ सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि आपको अपना ध्यान रखना है, ये नया वेरिएंट है, पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे लॉसेस हुए हमारे, तो अब वो लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉस इन द सेंस, एक ये चीज तो है ही कि इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है, जीडीपी जो कम हुई है, वो सब चीजें तो है ही, स्टडी जो खराब हुई है वो भी है, बट स्टिल फैमिली फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आसपास काफी सारी डेथ, या किसी किसी का तो ऐसा कि पूरी की पूरी फैमिली कोरोना में की वजह से चली गई, या कुछ लोगों की फैमिली है जो ठीक हो गई, रिकवर हो गई, लेकिन फिर भी अब हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सब चीजें हमारे आसपास ना हो, हमें ना लगे, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें लोगों से, तो वही ठीक है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।